नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दिल्ली में रात भर हुई जबरदस्त बारिश, दरिया बनी सड़कें। बुलंदशहर पुलिस बोली, सुदीक्षा से छेड़छाड़ के सबूत नहीं, परिवार के बयान गलत। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बिकरू कांड जैसी वारदात, हमले में दारोगा घायल, छीन लिए गए पिस्टल। दिल्ली पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़, अपराधी अजय को लगी गोली। दिनेश गुणवर्धने बने श्रीलंका के नए विदेश मंत्री। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में लगातार बारिश से भूस्खलन, कई सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों के लिए एक नई आत्मसमर्पण नीति का प्रस्ताव दिल्ली भेजा। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के दिन 3 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल, कई अधिकारी सस्पेंड। बिहार के गंगा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, 1 का शव बरामद। राजमौली और उनका परिवार हुआ कोरोना नेगेटिव, 2 हफ्तों से थे क्वारंटीन। मदारी फेम डायरेक्टर निशिकांत कामत की हालत नाजुक, ICU में भर्ती। गिलक्रिस्ट ने 12 साल बाद तोड़ी चुप्पी, कहा कि लक्ष्मण का कैच छोड़ने पर लिया संन्यास। पाक के पूर्व कप्तान ब्रिटेन में बायो बबल तोड़ा, PCB हुआ नाराज। मुंबई के क्रिकेटर ने किया सुसाइड, IPL में मौका नहीं मिलने से था निराश। कानपुर में नवजात बच्ची को मुंह में दबाकर भागा कुत्ता, कुछ देर बाद मिला शव। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देगा पर्यटन और लॉजिस्टिक क्षेत्र, असीम पोर्टल पर बढ़ी मांग। चीनी खतरे को भांप रहे PM मोदी ने राजपक्षे बंधुओं से बढ़ाई नजदीकी। AAIB ने कहा कि केरल विमान हादसे पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। बिना बैटरी के हो सकेगी ई वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दी मंजूरी। सीमा विवाद के बीच अगले सप्ताह वार्ता करेंगे भारत और नेपाल। चीनी हवाला रैकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों से 70 लाख नगद जब्त। निजी ट्रेनों के संचालन में 30 कंपनियों ने दिखाई रुचि, रेलवे को 30,000 करोड़ निवेश की उम्मीद। महाराष्ट्र में नक्सलियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, हमले के लिए बिछाई थी बारूदी सुरंग। ओडिशा के संबलपुर में नर हाथी की संदिग्ध अवस्था में मौत, जांच के आदेश। अमेरिकी चुनाव अभियान से पहले भाषण में कमला हैरिस ने याद किया अपने माता पिता को।